How many of you think books help in life? Give me a cheer. मुझे भी ना थोड़े दिन पहले पता लगा. मैं एक सुनसान रोड से जा रहा था, एक लड़का ने एक लड़की की चेन खींच रहा था, मैंने बुक फेंक के मारी है और बुक का नाम था आडी शर्मा. वॉल्यूम वन, क्योंकि टू तो घर पे रखी थी. इवन चोर का रेशन था, शिट फिर से मरवा गई आडी शर्मा यार. आरडी शर्मा वो बुक है ना लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट था मेरी, कि मुझे साइंस विद मैथ्स लेना है या विदाउट मैथ्स लेना है. बुक देख के नहीं, ये नहीं हो पाएगा मैथ्स. एंड हैव यू नोटिस उसमें क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं थे जो मुझे लगता है जिंदगी में काम आएंगे. हाइट एंड डिस्टेंस 6 मार्क्स. एक बंदा रोड पर खड़ा हुआ है और बिल्डिंग की मुंडेर देख रहा है, फिर वो रोड के बीच में गया, फिर भी मुंडेर देख रहा है, बताओ किस एंगल पर देख रहा है. मैं कहा पहले बताओ ये हाईवे पे तो नहीं खड़ा, क्योंकि अभी ट्रक जूम करके ले गई तो एम्बुलेंस इंपॉर्टेंट है ना मेरे लिए, एंगल अप पा रहे हूँ उससे. बट डोंट यू थिंक कि जितने भी मतलब हम लोग ओलंपिक्स में ज़्यादा मेडल जीत सकते हैं, जितने भी ये चेन स्नैचर हैं इन्हें भगाओ ना रेस में, अल्टीमेटली दे आर रनिंग फॉर गोल्ड. मतलब इट्स नॉट अबाउट लाइक लाइफ इज अबाउट जर्नी, नॉट अबाउट डेस्टिनेशन ना. हम क्या कर रहे हैं, इनको जेल में बैठाते हैं, इनसे पौधे उगवाते हैं. करो हो पौधे उगा रहे हैं बंदा. तो रिसेंटली आई वाज सर्चिंग सम वीडियोस ऑन यूट्यूब, और जैसे यूट्यूब का रिचुअल है कि आप कुछ देखते हो और थोड़ी देर बाद कहीं और पहुँच जाते हो. सो आई वेंट टू एन वीडियो, इसका टाइटल था Top 10 चेन स्नैचिंग वीडियोज ऑफ इंडिया. आई एम जस्ट रिपीटिंग इट, Top 10 चेन स्नैचिंग वीडियोज ऑफ इंडिया. उस पर 8 मिलियन व्यूज हैं. मेरा पहला क्वेश्चन है, ये ट्यूटोरियल किसके लिए बन रहा है? और उससे भी बेस्ट पार्ट पता क्या है, कि वो जैसे वो यूट्यूब पे वीडियो चलता है उससे पहले उस पर एक ऐड आती है कल्याण ज्वेलर्स की. मगर इसे कहते हैं ब्रांड प्लेसमेंट. और उससे भी एक क्रिएटिविटी की पीक देखनी हो अगर आपको, तो उस वीडियो में क्या है, एक औरत रोड पर चल रही है और एक चेन खींच गई उसकी, बैकग्राउंड में किसी ने म्यूजिक डाला है और म्यूजिक है चैन चुराई तेरी किसने उस. क्रिएटिविटी भाई. बट मुझे ना बीइंग अ बॉय, मतलब स्कूल में ना कभी भी ये 15 अगस्त 26 जनवरी पसंद ही नहीं थे मनाने. मतलब हर साल एनुअल डे और बीइंग अ बॉय एक ही डांस स्टेप, हो मैं कहा मैम कुछ चेंज कर दो. हाँ मैंने 12 साल यही किया है सिर्फ. मतलब आज मुझे अगर कोई लड़की पब में मिल जाए ना, कह रही शो बी योर मूव्स. नहीं होता यार ऐसा. बट आई लव स्कूल यार, आई लव स्कूल. और स्कूल का ना बेस्ट पार्ट, अच्छा कभी भी स्कूल में ऐसा हुआ है कि स्कूल पिकनिक पे ले गए हूँ आपको? तो जैसे मेरे को शिमला ले जाते हैं स्कूल वाले. एंड स्कूल पिकनिक सर फन अगर तुम जा रहे हो, क्योंकि अगर तुम नहीं जा रहे हो तो तुम लेफ्ट आउट फील करोगे उनके हर कॉन्वर्जेशन में. और मेरा जाने का रीज़न कुछ और था, मतलब मुझे इसलिए जाना था कि रूहानी जा रही थी और मेरा सपना बड़ा प्यारा था कि रूहानी बस से बाहर देखेगी और मैं रूहानी को देखूँगा और ये देख के पंकज की जल जाएगी. भाई कच्चा प्यार ऐसे ही होता है. मतलब मुझे ना अपने क्रश का ना पहला मुलाकात अभी भी याद है कि वो कैंटीन में आई और वहाँ पे 3-4 कुत्ते थे, तो वो उनको पार्लेजिस खिलाने लगी, तो मैं साइड में खड़ा था. अब देख रहे हो आपका ना मैम क्रश अगर 1% भी आपके लिए एफर्ट करता है ना भाई साहब, दिल बाग बाग हो जाता है. तो उसने एकदम से मुझसे पूछा कि तुम भी खाओगे? तो मैंने बोला हाँ. तो उसने मुझे 2 बिस्किट दिए, मुझे आज भी याद है, मेरे हाथ में ऐसे थे. अब मैं उसको देख रहा हूँ और सारे कुत्ते मुझे देख रहे हैं, कह रहे इसको क्या ज़रूरत थी इस चीज़ की. काफ़ी सही, आप तक लेट जॉक पहुँचा.
हाँ, अभी बेस्ट पार्ट पता क्या है, और अगर आप नहीं जा रहे हो ना पिकनिक पे, तो आपका एक दोस्त, जैसे कृष्ण जी का जन्म हुआ था कंस का मारने के लिए, वैसे एक दोस्त का जन्म होता है आपकी मारने के लिए. ये इनके ना बेइज्जती करने के स्टैंडर्ड इतने लो होते हैं ना, कि जैसे बोल देंगे, रजत तूने बताया नहीं तेरे नाम का जनरल स्टोर बना हुआ रजत जनरल स्टोर. तो मैं कहा तूने भी नहीं बताया कि तेरा नाम का सुसु पार्लर है सुलभ. तो अभी ना मतलब अभी क्या होता है कि सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी दिक्कत पिकनिक जाने में होती है ये अपने माँ को बताना, और बताने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कब बताना है, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड, परमिशन लेना और कभी भी पैसे मांगना, ये काम हम घर का आइडल टेम्परेचर देख के करते हैं. अच्छा बताता हूँ आपको, जैसे आप, आपको पता है कि आपके पापा खुश कैसे दिखते हैं? कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि उस आदमी ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि अगर वो हंसा तो बच्चे किडनी मांग लेंगे. तो पापा हमेशा कैरेक्टर में रहते हैं, और जैसे आपके घर रिलेटिव, जैसे रिलेटिव आते हैं तो आप उनको बिस्किट के साथ चाय सर्व करते हो, वैसे ही हम ऐसी बातों के साथ एक बात चिपका के बताते हैं. तो मैं पापा के घर में, पापा कल मेरा सरप्राइज टेस्ट था और मुझे 15 out of 15 मिले. कह रहे बेटा मैथ से? मैंने कहा नहीं, ड्राइंग में. और उन्होंने बोला था कि अपना आइडल बनाओ, तो मैंने आपकी फ़ोटो बना दी. कह रहे ये बता चाहिए क्या? मैंने कहा एक्चुअली वो शिमला ले जा रहे हैं 1000 रुपये में. तो पापा का सिंपल आंसर कि बेटा तुम्हें थोड़े दिनों पहले ले तो गए थे. मैंने कहा पापा तब मैं गोद में था. तो कह रहे बेटा तुम बड़े हुए, शिमला तो वैसा का वैसा ही है. और हमें पता है कि हमारे माँ बाप का ना आंसर ना ही होने वाला है. लाइक सन इज द कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, सिमिलरली माई फादर इज अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ नो. तो फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा पापा एक्चुअली ये ना ये एजुकेशनल टूर है. तो कह रहे बेटा कैसे? मैंने कहा एक्चुअली ना वहाँ पे मैं जाके सीखूंगा साइंस का चैप्टर एको. रजत रजत रजत. तो पापा ने कहा मेरा हाथ देखा है, अगर एक लगा ना तो एको तो समझ में आएगा, जो नेक्स्ट चैप्टर है ना वेव एंड ऑसिलेशन वो भी क्लियर हो जाएगा. आई एम लाइक ओके पापा पापा पापा. बट आई लव माई मॉम. मतलब मेरी मम्मी ना मैजिशियन है, मतलब मजाक नहीं कर रहा. जैसे मैं कभी भी मम्मी को अपना सामान देता हूँ, कुछ मम्मी ये लो रख दो, तो मैं भी एक मैजिशियन वर्ड बोलती है, कहती है मैं इसको संभाल के रख देती हूँ. और कमाल की बात है फिर वो सामान कभी मिलता नहीं है.